यदि आपको धाम का आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, या गुरु कृपा से नाम मिल गया है, आपको नाम जपने की प्रेरणा मिल गई है, श्यामा श्याम नौ किशोर किशोरी के चरणों का आश्रय मिल गया है, तो अब दुर्बुद्धि मत धारण करो। दुर्बुद्धि त्यजति, दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। क्या दुर्बुद्धि? एक यही आश्रय आपको बचा सकता है, धन का आश्रय, शरीर का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, समाज पद प्रतिष्ठा, जन समुदाय का आश्रय, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने नाम धाम श्यामा श्याम इनके प्रेमी रसिक महापुरुष जन इनके आश्रय की अवहेलना करके अन्य आश्रय स्वीकार किया, कह रहे मुक्ति श्री भी कलित पदो नारकम याति धावन, मानो मोक्ष पद भी तुम्हारे हाथ में आ गई थी पर तुमने उसका त्याग कर नरक की तरफ दौड़ पड़े। धनाभिमान जनाभिमान और भी कुलाभिमान विद्याभिमान रूपाभिमान बहुत प्रकार से अभिमान का हम आश्रय ले लेते हैं, ये हमें अभिमान दुर्गति प्रदान करता है। संस्कृति के मूल चक्र का यह स्वरूप है, ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्तत्व और अहंकार बिल्कुल नजदीक है, बड़ी ऊंचाई पे है ये अहम। जब देह भाव में स्थित हो जाता है तब गुणामान विद्याभिमान धनाभिमान जनाभिमान ये प्रकट होता है। अगर ये कोई भी अमान एक है इनमें से, मुझे अध्यात्म मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ना होने देगा ये अहंकार, ये मिटना बहुत आवश्यक है। ये तभी मिटता है जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है। तीन मुख हरिजस सुन श्रवण मानो नृपित छिन्न, और हमारी जब ऐसी वृत्ति बन जाती है कि उन महापुरुषों के श्री मुख से निकले हुए भगवत रसामृत में डूबे हुए वचन श्रवणेंद्री के द्वारा हम पान करते हैं, और हमारी ऐसी लाला जागृत हो जाती है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं नित्य श्रवण करूं और निरंतर इसी आज्ञा पे रहूं, तो फिर तिनकी संगति रह जाति कुल मद सब नंसय, फिर ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समस्त अहंकार का नाश हो जाता है। और जहां अहंकार नष्ट हुआ नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की, फिर हम भगवत प्रेमी महात्माओं से ऐसी आसक्ति कर बैठते हैं कि हम उनके संग के बिना, उनके वचन के बिना, उनके दर्शन के बिना जी ही नहीं सकते। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण थी, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से हुई तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन गए। हमारा हृदय प्रेम अभंग स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक बार जब प्रेम प्रकट होता है तो कभी घटता नहीं है और कभी नष्ट नहीं होता, और इसका स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। पर इसका प्रभाव यह है कि प्रेमी के हृदय में सदैव प्रेम की अपूर्णता का अनुभव होता है, उसको ऐसा लगता है ये प्रेम का प्रभाव है कि मुझ में किंचन मात्र भी प्रेम नहीं, मैं बहुत अधम नीच हूं, ऐसा अनुभव होता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे उसको ये अनुभव होगा। क्यों? अगर अनुभव हो जाए मैं प्रेमी हूं तब तो अहम जागृत हो जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं। प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है, क्यों छूटे दृढ़ फंद, ये प्रेम की डोरी में आराध्य वैसे बंध जाते हैं, वो छूट ही नहीं पाते।